स्वागत है खबरों में। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दौसा दौरे के दौरान मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट भी नजर आए। प्रियंका गहलोत और पायलट ने तस्वीरें भी खिंचवाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब प्रियंका गांधी वाड्रा दौसा पहुंची तो उससे पहले मेहंदीपुर बालाजी भी गई और वहां पर दर्शन किए। भगवान का आशीर्वाद बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि अब चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया। ऐसे में तमाम दिग्गज नेता लगातार भगवान के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और कुछ बड़े नेताओं की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस महासचिव, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट भी एक साथ पूजन करते नजर आए। तो एक बार फिर से इस तस्वीर के जरिए भी एकजुटता का संदेश कांग्रेस की ओर से देने की कोशिश की गई कि अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। एक साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट तस्वीरों में कैद हुए। तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी से ये तस्वीरें हैं जहां पर एक साथ प्रियंका गांधी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भगवान के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बालाजी के दरबार में ये तीनों दिग्गज नेता पहुंचे। यहां पर प्रार्थना अर्चना की गई और निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में जीत के लिए भगवान से आशीर्वाद भी लिया गया है। तो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो वीडियो जहां पर एक साथ प्रियंका गहलोत और पायलट एक ही कार से भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे थे। अब इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। बहुत समय से मेरी इच्छा थी यहाँ आने की और मैं हमेशा पूछती थी कि कितनी दूर है, तो आज मुझे पता चला कि पास में है, तो मैं कहा जरूर आना है। और नवरात्रि का समय भी है, इसलिए बहुत शुभ दिन है, बहुत खुश हूँ। और उकल लेते हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस की पहली सूची कभी भी आ सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान विधायकों को लगातार फोन कर रहे हैं और फिर से प्रत्याशी बनने पर उन्हें बधाई दी जा रही है। अधिकांश विधायकों के टिकट रिपीट की जा सकती है। ये बड़ी सूचना सामने आ रही है कि जो विधायक अभी वर्तमान में है सीट पर, उन्हीं को दोबारा से दावेदार बनाया जा सकता है, उम्मीदवार के तौर पर उनको आगे किया जा सकता है, उनके नामों का ऐलान जल्दी हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतभेद भुलाकर अब कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई और लगातार पार्टी की ओर से एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है। जब इससे पहले सचिन पायलट ने भी बयान दिया था कि हम सब एक हैं, प्यार मोहब्बत से, उन्होंने कहा था कि सबको छोड़कर हमें राहुल गांधी की उस बात को याद करना चाहिए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने है, और यही वजह है कि अब कांग्रेस एक साथ एकजुट है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांचों विधायकों को टिकट मिलने के संकेत दे दिए हैं। प्रियंका की सभा में सीएम ने पांच विधायकों के नाम लिए हैं। पांचों विधायकों को जिताने की भी अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई। इन नामों में बताते चले कि ओम प्रकाश हुड्डा का नाम भी शामिल रहा जो बेहद चौंकाने वाला है, तो वहीं गजराज खटाना, मुरारी मीना के नाम भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लिए गए। वहीं चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीना को भी टिकट दिया जा सकता है क्योंकि सीएम ने परसादी लाल मीना का भी जिक्र किया। साथ ही साथ ममता भूपेश को भी जिताने की अपील उनकी ओर से की गई। ओम प्रकाश हुड्डा ने भी साफ संकेत दे दिए हैं, फोन पर कहा है कि हाँ मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो अब कुछ हद तक दौसा से तो तस्वीरें साफ हो गई हैं कि यहाँ पर किनके नाम सामने आ सकते हैं। 30 वो सपना आपने देखा होगा, करीब 3,32,00,000 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 3,32,00,000 लोगों ने वो सपना साकार करेंगे, यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कहना चाहूंगा ममता भूपेश आपकी नेता जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप चारों पांचों विधायक जो हमारे हैं इन सबको आप, मैं अपील करूंगा, परसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जया खटाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप पांचों विधायक को विधायक जिता के भेजो, ये मेरी आपसे मार्मिक अपील रहेगी।
तो दौसा में क्या सूची से पहले ही टिकटों का ऐलान कर दिया गया? ये बड़ा सवाल है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मंच पर पहुंचे तो 5 विधायकों का नामों का जिक्र उनकी ओर से किया गया और इन सभी के लिए वोट की भी अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कर दी गई। नामों में प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा और इसके साथ साथ ओम प्रकाश हुड्डा और गजराज खटाना के नाम भी शामिल रहे। इन 5 विधायकों को जिताने की अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक।